हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो, आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये वीकली रीडिंग्स होंगी हर एक राशि के अनुसार, ठीक है। आप अपनी राशि के अनुसार अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आप राशि किस बेस पर देख सकते हैं? आप मून साइन, चंद्र राशि या नाम के अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता, मून साइन नहीं पता, नाम के अनुसार आपको नहीं पता, तो आप अपनी जो साइन है वो लग्न राशि से भी देख सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जैसे ही आपकी प्रेफरेंस हो। ध्यान रखना, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थीथा पे ध्यान ना दें, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पर दें। और एक और चीज़ ध्यान रखें, पर्सनल रीडिंग्स बंद हो चुकी हैं, इसलिए प्लीज़ पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच ना करें। नंबर्स ऑलरेडी रिमूव कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, तो अब पर्सनल रीडिंग्स ऑप्शंस में नहीं है। हम में भी इन फ्यूचर ऑन रखें। जिन लोगों को रीडिंग्स वगैरह में इंटरेस्ट है वो मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे मैं लाइव सेशन करती हूँ जो सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए होता है, और वो होता है करीबन 1 बजे दिन के, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को हीलिंग पर्पस, बिजनेस पर्पस, फाइनेंस, लव या मेंटल हेल्थ या हेल्थ रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड कोई ब्रेसलेट बनवाना है और आपको पता नहीं है आपको कहाँ जाना चाहिए या किससे कंसल्ट करना चाहिए, तो अमित सर का नंबर मैंने ठीक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है और यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपके सामने वो रिफ्लेक्ट होगा बार बार। आप उन्हें व्हाट्सअप करके अपने लिए ब्रेसलेट अपनी मनपसंद का बनवा सकते हैं, ठीक है। सो अब हम देखने जाएंगे एक एक राशि अनुसार आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप इन्जॉय करेंगे। अगर आपको रीडिंग पसंद आएगी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। करने जा रहे हैं लिब्रा राशि, देखेंगे लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल 12 से 18 मार्च। पहले बिजनेस देखेंगे, फिर लव लाइफ, फिर हेल्थ, फैमिली, सब देखेंगे, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं 12 से 18 मार्च तक बिजनेस पर्सपेक्टिव्स कैसे रहेंगे लिब्रा राशि वालों के लिए। 12 से 18 मार्च तक बिजनेस, जॉब, फाइनेंस कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए। सैजिटेरियस, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा राशि वालों के लिए लव, रोमांस कैसा रहेगा 12 से 18 मार्च तक। लव और रोमांटिक लाइफ कैसी रहेगी उनकी। नॉर्थ नोड, ओ यूनिवर्स मुझे बताएं हेल्थ, फैमिली और मैरिज प्रस्पेक्टिव से लिब्रा राशि वालों का समय कैसा रहेगा 12 से 18 मार्च तक के लिए। मर्कुरी की एनर्जी है, ओके। सो लेट्स सी नंबर्स आपको क्या देना चाहेंगे यूनिवर्स। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा राशि वालों के लिए क्या नंबर देना चाहेंगे आप इस वीक के लिए, 12 से 18 मार्च तक के लिए। 12 से 18 मार्च के लिए लिब्रा राशि वालों के लिए क्या नंबर देना चाहेंगे। नंबर 7, पर्सनल ग्रोथ। अदर डेक यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा राशि वालों की बिजनेस, जॉब, फाइनेंस ओवरऑल कैसी रहेगी 12th टू 18th मार्च तक। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, हैंगमैन, द वर्ल्ड बॉटम ऑफ द डेक में, ओके। सो लिब्रा राशि वालों मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे इस वीक। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी रहेंगे इस वीक। मतलब चाणक्य तो काफ़ी बनेंगे, दिमाग से करेंगे बहुत सारी चीज़ें। मतलब कहीं ना कहीं जो लोग सीधे तरीके से आपकी भाषा नहीं समझते आप उनको कैसे घुमा घुमा के कंफ्यूज करके काम करवा लेंगे। कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप मुझे काफ़ी एक्साइटेड और हैप्पी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर सेजिटेरियस की एनर्जी बिजनेस, जॉब और फाइनेंस में निकली है जो कि आपको गोल ओरिएंटेड बनाती है, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने गोल्स पर फोकस्ड रहेंगे, अपने काम पर फोकस्ड रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, कुछ बहुत बड़े प्लान्स और स्ट्रैटेजीज बनाएंगे अपने बिजनेस में या जॉब्स में, कुछ बड़े अचीवमेंट्स हासिल करेंगे। फाइनेंसिस में ग्रोथ देखी जा सकती है, किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। कोई आपका प्लान है वो आपका प्लान पूरा हो सकता है और आप उसके बाद एक नया स्टेप या नया प्लान तैयार करेंगे, ऐसी एनर्जी भी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं उत्सव का समय है, सेलिब्रेशन का समय है और एक ऐसा समय है जिसमें आसपास बहुत सारी हैप्पीनेस और गुड न्यूज़ है। लेकिन यस, मैं ये कहूँगी लिब्रा राशि वालों थोड़ा सा सावधान भी हो जाए, थोड़ा सा सतर्क भी रहे। इस हफ्ते आपको कोई जो है ट्राई कर सकता है बेवकूफ़ बनाने का, या कोई जो है आपसे
कुछ गलत तरीके के निवेश भी करवा सकता है या आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ना आप अलर्ट रहने का ट्राई करें, और जब तक आप अच्छी रिसर्च ना कर लें, अच्छे लेवल की बोलते हैं ना नॉलेज ना गेन कर लें, तब तक लोगों की बातों में आसानी से ना आए, ठीक है। पर्सनली खुद होकर अपने अकाउंट्स चेक करें, पर्सनली खुद होकर अपनी जो काम है उसमें अपना हाथ डालें। लोगों से ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखें, जितना हो सके लोगों से ज़्यादा होप्स मत रखें, खुद से अपना काम करने का प्रयास करें, ठीक है। बाकी फाइनेंसेस बोलूँ, जॉब बोलूँ या बिजनेस बोलूँ, हर पर्सपेक्टिव से मुझे ये वीक आपके लिए लिब्रा राशि वालों बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। समय बलवान है और कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा भी संभव है। अगर विदेश के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो चांसेस है कि वहाँ कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, जिससे मन कहीं ना कहीं खुश होगा। ये वीक कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का समय होगा, कोई मन की इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। लिब्रा राशि वालों मन में किसी तरीके का लाइक एक पीस ऑफ माइंड आप फील कर सकते हैं, ऐसा लग सकता है कि ओके फाइनली कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से हुई हैं, लाइक इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। बट एज आई सेड, थोड़ा सा सेफ चलने की कोशिश करें, थोड़ा सा आंखें खुली रखें, ओके। अब मैं इनकी बात करूँ हेल्थ फैमिली की, लेट्स सी। जॉब वगैरह के लिए या बिजनेस के लिए ट्राई करना चाहते हैं लिब्रा राशि वालों, ये वीक आपको एक अच्छी न्यूज़ मिल सकती है अगर आप ट्राई करेंगे तो। यूनिवर्स मुझे बताएं, फैमिली और हेल्थ और फैमिली के परस्पेक्टिव से तुला राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। 12 से 18 मार्च तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा हेल्थ और फैमिली के हिसाब से। जजमेंट की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक में है एम्परर, ओके। आपकी धाक ज़्यादा रहेगी, आपके फैमिली लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा बॉस बनेंगे और आपकी बातों को ज़्यादा सुना जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट बहुत की जाएगी, आप काफ़ी अथॉरिटेटिव रहेंगे, गंभीर रहेंगे, मैच्योर रहेंगे और लोग आपको बहुत समझने का प्रयास करेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे गंभीरता से, आपको पसंद करेंगे और आप एक अच्छे टीचर साबित होंगे अपनी फैमिली में। आप एक अच्छे ज्ञानी या नॉलेज देते हुए, विजडम देते हुए नज़र आएंगे। इस वीक आप बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे आइडियाज़ भी देते नज़र आएंगे अपने फैमिली में, काफ़ी लोगों को ग्रो करने के लिए कुछ नई नई चीज़ें बताते नज़र आएंगे। काफ़ी ज़्यादा सब में बैलेंस रहेंगे इस वीक, काफ़ी पूजा पाठ में भी ध्यान देंगे, ओके। हेल्थ पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो हेल्थ वालों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ज़्यादा मेजर नहीं, लेकिन हाँ बैक के रिलेटेड या सरदर्द के रिलेटेड या हीट रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सरदर्द हो सकता है या आपको बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, या छोटी मोटी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हीट की प्रॉब्लम, गर्मी बहुत लग जाना, इस तरीके की एनर्जी फील हो रही है। कुछ ज़्यादा सीवियर नहीं है, लेकिन अगर ओल्ड कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें थोड़ा सा सुधार देखा जाएगा। हाँ, आप उस हेल्थ के इश्यूज़ के वजह से थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं, इसलिए अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करने का ट्राई करें, ओके। सो अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए लव लाइफ, लिब्रा राशि वालों के लिए मुझे बताएं लव लाइफ कैसी रहेगी 12 से 18 मार्च तक ओवरऑल। एस ऑफ कप्स, लवर्स, फोर ऑफ वॉन्स, हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस, ओके ओके। एक मिनट, लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। चैरियट की एनर्जी है, ओके। जो लोग मैरिड हैं, मैं उनके लिए सबसे पहले बता देती हूँ, जो लोग मैरिड हैं, साथ रहते हैं, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा रोमांस देखा जाएगा। इवन कंसीव होने के चांसेस है, अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हो तो चांसेस है कि बेबी प्लानिंग आपकी इस वीक आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। कोई अच्छा मैसेज यानी कि इंपॉर्टेंट मर्कुरी की एनर्जी है, कुछ बहुत ही अच्छा होने के चांसेस हैं इस वीक। आपके पार्टनर और आप में बहुत अच्छे संबंध देखे जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल की इंटिमेसी और रोमांस देखा जाएगा। आप दोनों बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड भी करेंगे और सेलिब्रेशन मूड में रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि एक दूसरे में ज़्यादा खोए रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। लेकिन यस, कुछ लिब्रा राशि वालों के लिए चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो सकता है या आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी में कहीं भटकने के चांसेस हैं। कोई आपको भटका सकता है या कोई किसी की वजह से आप भटक सकते हैं। कोशिश करके कोई गलती ना करें, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको पछताना पड़ जाए। इसलिए जितना हो सके अपनी पर्सनल लाइफ में, जो अपनी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, उसमें लॉयल्टी दिखाने का ट्राई करें, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प और ग्रोथ मिल सकती है। जीवन में आने वाले समय में आपको जो आपकी पार्टनर हैं, जो आपकी फैमिली लाइफ है, वो आपको काफ़ी बेहतर पोजिशन पर ले जा सकती है। हो सकता है कि उनके साथ कभी उतार चढ़ाव रहे हों, लेकिन उसकी वजह से कोई कंक्लूजन पर मत आ जाना, कोई बड़ा स्टेप मत ले लेना, ठीक है, इस वीक अवॉइड करना। और
बात करूं उनकी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों को खूब अट्रैक्शन मिलेगा भाई, एक्स नेक्स सब आपकी तरफ बहुत आकर्षित होंगे। लिब्रा राशि वालों इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है आप छाए रहेंगे, आपको डेफिनेटली अंदर से लोअर आपके अंदर एनर्जी जो है लो फील करेगी, आपको लगेगा कि ओ मैं इतना अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ या मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। आप हो सकता है खुद के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करेंगे, आप हो सकता है आप खुद को ऐसा महसूस करें कि अरे मेरे में वो बात नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी आपके आसपास से बहुत लोग हैं जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में अगर किसी ने आपको रखा है वो एक्स भी और काफ़ी नेक्स्ट भी, यानी कि कुछ नए लोग भी और कुछ पुराने लोग भी आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि काफ़ी लोगों के लिए कहूंगी काफ़ी लोगों के लिए लिब्रा राशि वालों एक अच्छा ऑफर भी आपको रिसीव हो सकता है, कोई आपको पसंद कर सकता है, कोई आपकी तरफ हाईली अट्रैक्ट हो सकता है और आप उसको रिटर्न में पसंद भी करेंगे, लेकिन किसी तरीके का डर आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा, आपको लगेगा कि कहीं ये भी व्यक्ति आपका ट्रस्ट ना तोड़ दे, कहीं ये आपको दुख ना पहुंचाए, इस वजह से आप उनके साथ आगे बढ़ने को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे। इस तरीके की एनर्जी जहां पर आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में ज़्यादा नजर आएंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनकी सिचुएशन में मुझे इन कॉन्टैक्ट आता हुआ तो नहीं दिख रहा है फिलहाल, बट येस चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि वो एक्स जो है आपके लिए तड़पेंगे या आपके लिए क्रेव करेंगे, आपके लिए दुआएँ करेंगे वापस आने के लिए, और आपके लिए बहुत ज़्यादा अंदर से एक फैंटसाइज या फैंटसीज जो है इनके अंदर क्रिएट होंगी, आपको बहुत दूर से भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर इनके अंदर स्ट्रॉन्गर एनर्जीज बनेंगी। सो अब मैं देख लेती हूँ सिंगल्स के लिए, सिंगल्स के लिए मुझे बताएं लिब्रा राशि वाले जो सिंगल्स हैं 12 से 18 मार्च के लिए मुझे बताएं कैसे रहेंगे सिंगल्स के लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स विथ बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप, सिंगल्स को एक अच्छा ऑफर मिल सकता है क्योंकि मर्क्यूरी की एनर्जी है यहाँ सेवन ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ कप्स। हालांकि उस ऑफर को लेकर आप श्योर नहीं होंगे, यानी कि ये ऑफर मैरिज की मैं बात कर रही हूँ, जिन लोगों को शादी के ऑफर की एक्सपेक्टेशन है उनको एक अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन उस प्रस्ताव को लेकर आप काफ़ी संकोच में रहेंगे, शुड आई डू इट और नॉट वाली एनर्जी है, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, अपने आप में ऐसा लगेगा कि अपने आप में ज़्यादा रहूं तो बेहतर रहेगा, इस वक्त लव लाइफ या आप शादी के लिए मैं फ़िलहाल रेडी नहीं हूं, ऑफ़र आ भी रहा है तो आप उसको लेकर ऐसे डर रहे कि नहीं यार कहीं फिर से प्रॉब्लम्स नहीं आ जाए, लाइक आप किसी तरीके से किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड या लो फील करेंगे और शादी के जो प्रस्ताव वगैरह या कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है तो आप उनमें ध्यान नहीं देंगे, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। कोई क्रश है अगर किसी को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि वो क्रश और आपके बीच में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है, उतनी स्पीड नहीं है जितनी आपने सोची थी, यानी कि उनके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें स्लो हैं और बहुत ज़्यादा वो जो हैं खींच रहे हैं रबड़ की तरह चीज़ों को, एक्सप्रेस नहीं कर रहे आपको अपनी मन की भावनाएं या आपकी भावनाओं को समझ नहीं या उसका रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ऐसी चीज़ें आप फील कर सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि शायद वो आपको उतना पसंद नहीं करते जितना आपने सोचा था, इस तरीके की एनर्जी आप फील कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा जा सकता है लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके क्रश भी आपको पसंद करेंगे, लेकिन हाँ उनकी एनर्जीज को देखकर आप ऐसे सोचेंगे कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करते, इस तरीके की कन्फ्यूजन आपको फील होगी। ठीक है, बात करूँ अगर ओवरऑल एडवाइस की, सो यार सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज मेरे सामने सेवन नंबर का आया है, पर्सनल ग्रोथ का आया है, ये कहता है कि तुला राशि वालों ये हफ्ता आपकी अपनी सेल्फ ग्रोथ का बहुत ज़्यादा होगा। आपके जीवन में जो भी हो रहा है सेलिब्रेशन का तो कॉज बन रहा है, लेकिन आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपको एक अलग वर्जन का व्यक्ति बना रहा है, आप एक टीचर प्रीचर बनेंगे, यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम और नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, आपकी नॉलेज से लोगों का बहुत भला हो सकता है या आपके आसपास के लोगों का बहुत फ़ायदा हो सकता है, और आपके अंदर जो चीज़ें बदल रही हैं यानी कि आप सडनली बहुत चीज़ों को लेकर सोच विचार कर रहे हैं, जो चीज़ें कल तक आप एकदम रैंडमली ऐसे आंखें बंद करके कर लिया करते थे, अब आप उस चीज़ों पे सोचने लगे हो कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे ये स्टेप लेना है नहीं लेना है, जो आप इतना सोच विचार कर रहे हैं ये आपको एक पर्सनल लेवल की ग्रोथ दे रहा है। स्पिरिचुअल तो आप बहुत होंगे इस वीक, पर साथ ही साथ पर्सनली भी आप बहुत ग्रो करेंगे, दिमाग से काम लेंगे, इमोशन से काम लेंगे, सबको खुश रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो आपके आसपास नेगेटिविटी रखते हैं आप उन्हें टाटा बाय बाय ध्यान देना सही नहीं समझेंगे, चाहे फिर वो आपके एक्स हो या आपके परिवार के कोई सदस्य, अगर वो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं तो आप उनसे दूरी बनाकर जयराम जी की करने में देर नहीं लगाएंगे, लेकिन उन लोगों को खुश रखेंगे जो आपके अपने हैं, आप लोगों में खुशियां बिखेरेंगे, खुद में खुश रहेंगे और यस प्यार से थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समय अकेले रहकर खुद में और पावरफुल और स्ट्रांग और शेर की एनर्जी में आने का है, इसीलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें आपको महसूस होंगी। ठीक है, बाकी अगर ओवरऑल मैं वीक की बात करूँ, इस वीक आपके लिए
एक ब्लेसिंग्स जैसा मुझे आता हुआ दिख रहा है। मर्क्यूरी की एनर्जी, नॉर्थ नोड की एनर्जी, फ्यूचर, सैजिटेरियस की एनर्जी, सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। कोई गुड न्यूज़ है, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, इसे बस ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करें, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार देख सकते हैं, और इसी तरीके की वीकली रीडिंग्स को इंजॉय करने के लिए आप जो है बने रहें इस चैनल पर, ठीक है। अभी मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।